अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपसे दिल से माफ़ी कि कल वीडियो नहीं, बस ना कुछ रिस्पांस थोड़ा सा हल्का हो गया था और कुछ मैं भी थक गया था डेली अपलोड कर करके। तो मैंने कहा एक छुट्टी कर लूँ, तो बस एक रेस्ट कर लिया था, थोड़ी देर ज़्यादा सो गए थे और गेम प्ले की टेंशन भी नहीं थी, तो बड़ा सुकून से थोड़ा सा दिन गुजर गया और फिर से हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे। तो उसके लिए दिल से सॉरी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बाकी आज हम आ गए और बस माफ़ कर देना, वीडियो नहीं है तो उसके लिए। और अब हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। अर्ज किया है बाबा जी कि जिससे हम खोलते हैं रोज़ा वो खजूर है। वाह 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 वाह। अब ये वाह 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 5 बार आपने मेरे साथ करने, ओके? जिससे हम खोलते हैं रोज़ा वो खजूर है। वाह 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 वाह। अनोनिमस की सस्ती शायरी और गीली पप्पी बहुत मशहूर है। सस्ती शायरी, ख़राब शायरी, उल्टी सीधी शायरी, बकवास शायरी, घटिया शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो हमारी पब्लिक, हम जा रहे थे जॉर्जिया की सिटी जिसका नाम हमने गुजरात सिटी रखा हुआ है, और वहाँ पे जाने के बाद हम ऐसी कैंपिंग करेंगे ना जो कि नेक्स्ट लेवल होने वाली है पब्लिक। नेक्स्ट लेवल कैंपिंग जो आपको ना मतलब सदियों में कभी कभी देखने को मिलती होगी। और जब गन फाइट नहीं होती ना तो कैंपिंग करना जायज़ भी होता है, हम वही करेंगे। जब गन फाइट होती है तो कैंपिंग करना जायज़ होता है, मैं कह रहा हूँ। जब गन फाइट नहीं होती तो कैंपिंग करना मतलब क्या नहीं, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा बंदे आ गए थे और एक तो हमारे सामने वाले घर में आ गया था, तो मैं यहाँ नीचे लूट करने के लिए आ गया। और अब ढूंढ रहे थे गन, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के ना मिल कुछ नहीं रहा था। और बस डर भी लग रहा था कि इतने ज़्यादा बंदे आ गए हमारा कबाड़ा ना हो जाए, हमारे बम में गोलियां ना पड़ जाएं और फिर फिनिश होगा तो माइनस भी हो जाएंगे। और लास्ट सीज़न तो गाइस मैंने इतना ज़ोर लगाया कॉन्करर कर लूँ, और पता नहीं मुझे इतना बुरा लगता है ना जब कोई कहता है ना कि बंदे फेर नहीं खेलता अनोनिमस। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने दिन रात लगा के ना रैंक कर लिया था अपना 1500, पूरे सर्वर में 1500, और 500 पे आके मैं एस हो जाता। इतना दुख हुआ ना कि मैं एस नहीं कर पाया। मतलब मेहनत से गेम प्ले बनाओ, मेहनत से रैंक पुश करो। अगर ये होता तो फिर हर सीज़न में कॉन्कर ना करके बैठा होता है, ये होता तो फिर मेरा केडी 10 से ज़्यादा होता और मेरा केडी 6 7 8 5 6 3 यही चलता रहता है मेरा। तो आपको स्टैट्स देख के पता चल जाना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया करो गाइस। मैंने शॉटगन अपने टीममेट को गिरा दी, बुरा लगता है पता है। लाइक अब एक बंदा आपके लिए डेली वीडियोस बना रहा है, फिर कोई ऐसे बोल दे कि भाई नहीं फेयर नहीं खेलता। और हमारी पब्लिक बताऊँ, लाइक पब्लिक बहुत सी आवाम ऐसी होती है, अगर आपको कोई बोलेगा ना आप उसके बाद पे बिना तस्दीक किए यकीन कर लोगे, तो ऐसे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी को मार दिया सही है, और फिर वीडियो में लाखों बंदों ने देख लिया कि मैंने किसी को मारा, ठीक है, वो अपने टीममेट को जाके बोलेगा ओ ये फेयर नहीं खेलता, इसने मुझे लाइक उल्टा सीधा कुछ हैक लगा के मारा। मतलब मर गया ना बंदा, तो उसके दिल में हेट चला गया, वो कुछ भी बोल देगा और फिर उसके दोस्त भी उस पर यकीन कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे हेट बढ़ता ही जा रहा है, मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है, क्या किया जाए। और वैसे अगर किसी को नहीं पता तो गैस अभी यहाँ पे आके ना मैं कैंपिंग करने लग जाता हूँ, क्योंकि रश कर रहा था पूरा स्क्वाड, हमारे पास लूट अच्छी नहीं थी, म्यूटेंट है मेरे पास, म्यूटेंट ऑटो गन भी नहीं है। और अगर किसी को नहीं पता ना तो लाइक गैस मेरी आँखों का काफ़ी ज़्यादा इशू है, लाइक मेरी आइज़ ना काफ़ी वीक हो चुकी हैं, तो मैं टिकटॉक वीडियो, फेसबुक की मीम्स, इंस्टाग्राम की वीडियो सब आईपैड पे ही एडिट करता हूँ, मोबाइल पे मुझसे ज़रा काम नहीं होता, तो इसलिए मैं कॉम्पिटेटिव नहीं खेल पाता, आप लोग को पता होगी ये बात। और मैं मेरी एक टीम खेलती है जिसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, हमारी एक लाइनअप है स्क्वाड स्टार की जो कि कॉम्पिटेटिव इंटरनेशनल खेलती है। तो गैस हमने यहाँ पे ले ली भाई गंदी वाली पीक और एक एक करके सबको कर रहे थे डाउन, 2 बंदे डाउन किए और फिर रीलोड कर ली। और फिर देखो गैस एक मेरा टीममेट राइट पे और मैं यहाँ एकदम कैंपिंग 69, ओ सॉरी मेरे मुँह से निकल जाता बार, सॉरी कैंपिंग 99, कैंपिंग 999, हाँ ये ठीक है। तो उसके बाद गाइस स्क्वाड हो गया फिनिश। अब मैं कैसे देखो, हमारी ना एक लाइनअप है, वो मोबाइल पे खेलते हैं सारे और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, और वो बस हमें लाइक मेरी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो बस और मैं हमेशा लाइक हमेशा गाइस आप लोग प्यार दो या आप लोग को गुस्सा आए, मैं हमेशा आईपैड पे ही खेल सकता हूँ, वरना मैं पबजी नहीं खेल पाऊँगा, मेरी आईज का इतना इशू है। तो मैं हमेशा आईपैड पे खेलने वाला हूँ, अब बस अपना प्यार दिखाया करो यार, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और चिल करने के लिए मेरी वीडियोज़ देख लिया करो, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ गैस। अब गन ये वाला स्क्वाड डेड हो चुका था, अभी दूसरा स्क्वाड था, इनके कुछ बंदे राइट पे रश करने के लिए आ रहे हैं, कुछ बंदे सामने से हमें मार रहे थे, हम 2 ही थे। और ये बंदा देखना गैस क्या, तो इसके साथ प्रैंक हो जाएगा। वो हो सर हमने तो आपको देखा ही नहीं, हमें तो आपकी मुंडी नज़र ही नहीं आ रही, देखना गैस अभी क्या करेगा। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं उड़ने जा रहा हूँ माँ, फिर भाई को नहीं अनलॉक किया। और अब इनका जो टीममेट है वो वॉल पे बैठा हुआ है, कैसे 2 ही बंदे थे। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई देख
क्या कहते हैं, मैं ऊपर हूँ आप नीचे हो, आप क्या करो इस पर करो रश, और मैं यहाँ से आपको एडीएस देता हूँ। एडीएस मतलब स्कोप ऑन करके ना, रेड डॉट होलो कुछ भी, और अपने टीममेट को कवर देना, तो इसको बोलते हैं। अब मेरा टीममेट जा रहा था तो मैंने कहा भाई जा तो मैं कवर देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्कोप ऑन करके रख लिया और मेरी बुलेट लगी उसको, वहाँ से भी पड़ रही थी यहाँ से भी पड़ रही थी, वो बेचारा बहुत कन्फ्यूज़ था। और यहाँ पर मेरे टीममेट ने फाइनली इसको डाउन कर दिया और फिर हमें मिला चिकन विनर। डिनर डिनर नहीं मिला, उसके बाद बॉट आ गया गाइस। तो बॉट का किल तो हमारे केडी बढ़ाने का राज है। और अभी कल से सीज़न आ रहा है तो आप मुझे बताना आप एक्साइटेड हो या नहीं। और इस सीज़न की लीक्स भी मैंने नहीं देखी, वो बहुत सी पहले लीक्स हो जाती है ना, ये आउटफिट आएगा, ये गाड़ी आएगा, मैंने नहीं देख रखा, पता नहीं कैसे आएगा। और आप लोग बोल रहे थे तो गाइस मैं यूसी भी जमा कर रहा हूँ, यूसी जमा हो जाए फिर एक ना एक गन अपग्रेड कर लूँगा। वो इतने इतने पैसे लगते हैं, क्या बंदा क्या गन अपग्रेड करे। लेकिन अब आप लोग बोलते हैं ना भैया आपके पास एक भी गन नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी यूसी जमा कर लिए और अब इंशाल्लाह एक गन कोई भी अपग्रेड कर लूँगा, दो तीन तो नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ एक मेरे पास अपग्रेडेड गन इंशाल्लाह होगी, कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। अगर सामने बंदे थे ये एकदम अलग स्क्वाड था और ये लोग वहाँ पे होल्ड करके बैठे थे। जब हम बड़े वाले घर में थे ना तो यहाँ से ये लोग टप 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 करके हमारे बम पे एक एक गोली मार के हमें डैमेज दे रहे थे बिला वजह का। फिर भाई की मुंडी नज़र आई, इनको हमने किया नॉक। अब गए जब मैं एक नॉक कर देता हूँ मेरे पाँव में होने लग जाती खुजली और फिर मैं बिला वजह कर देता हूँ रश, और मैं सामने रश करने के लिए गया। और अब सैरी का टाइम है, घर वाले काम वाम कर रहे थे, शोर आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। तो ये मैंने गाइस दूसरा नॉक किया और ये मेरा एम ना एकदम मैंने लाइक बहुत से बंदे बोलते हैं हग दिया, तो यस यहाँ मैंने एकदम हग दिया। मैं मार सकता था उसको बट एक तो रीलोड लग गई थी और दूसरा मेरा एम भी थोड़ा सा मिस हो गया। तो आपको खुद नज़र आता है गाइस सम टाइम बंदे होते हैं और मैं स्पॉट नहीं कर पाता, तो फिर बताओ मैं अनफेयर कैसे खेल रहा हूँ यार। और कोई मैं बाकियों की तरह 40-40-30 किल भी नहीं करता, 10 किल 12 किल 13 किल 14 किल, समटाइम जो अच्छा गेम प्ले चले जाए उसमें 20 से ऊपर किल चले जाते हैं, वरना तो नॉर्मल हमारे के लिए इतने ही चलते हैं। तो गाइस इसके बाद बैंडेजेस लगाएंगे और मैं टीममेट को बोला भाई आप उस साइड से जाओ, और फिर फर्स्ट एड लगाने का वेट किया। और गाइस ये बंदे पता नहीं क्या कर रहे थे, इसने क्या किया अपने टीममेट्स को इतना पीछे ले जाएगा रिवाइव देने के लिए। देखना हमने यहाँ से किया रश, उजी मेरे हाथ में, और पहले मैं यहाँ देखा कोई है, कोई नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि उनके पीछे से आ जाऊँगा बट मुझे नहीं पता था वो अंदर ही बैठे मिल जाएंगे। अब मैं अचानक से खुद चौंक गया, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था यहाँ पे होंगे, अचानक से चौक गया, फिर जो रिवाइव दिया था उसी को मारा। और अब गाइस आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक बार ना मेरा वो था लाइक एम असिस्ट ऑफ था, वो इसलिए कि अगर आप टीडीएम भी खेलते हो ना, ये मेरी टिप आप लॉल सॉरी वॉइस ओवर क्रैक हो गया था ओ क्रैश हो गया था क्रैक बोल रहा हूँ क्रैश हो गया था तो ऑफ हो गया था गाइस। अगर आप मेरी ये वाली एक ट्रिक रख लो आपका एम बहुत अच्छा हो जाएगा। टीडीएम खेलो सही है, अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी सी जो होती है ना, मैं एक बताता हूँ कौन सी होती है, वो होती है एक ही को चेंज करना, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना उसको, बस अपनी पुरानी याद रखना। अगर आप कोई नहीं कर पाते तो आप पुरानी वाली ले लेना, लेकिन उसको देख देता हूँ अगर आप यूज़ करना चाहो। कैमरे की सेंसिटिविटी होगी 3rd person, ठीक है, नो स्कोप कैमरे की होगी। फर्स्ट वे जो सेंसिटिविटी लिस्ट आती है ना, वहाँ पर कैमरे की सेंसिटिविटी होगी गाइस 3rd person नो स्कोप, उसको थोड़ा सा हाई कर देना, एम असिस्ट ऑफ कर देना और टीडीएम खेलना। तो गाइस यहाँ पे ये इन बेचारों के साथ प्रैंक हो गया। आप लोग टीडीएम खेलना और उसमें ना स्कोप बिना ओपन किए मारना, बेशक बंदा थोड़ा सा दूर है, स्कोप ओपन नहीं करना। हम लोग क्या गलती करते हैं, बार बार स्कोप ओपन करके बंदे को मारते हैं क्लोज में भी, वो बहुत गलत है, तो अब वो नहीं करना। उससे क्या होगा आपका ना जो बंदे पे एम होगा ना वो अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एम असिस्ट ऑफ करके करो, जब आपको लगे कि मेरी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है तो एम असिस्ट ऑन कर लो, क्योंकि वो ज़रूरी है, और इस तरह फिर आपका एम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। ये ट्रिक और दूसरा एम असिस्ट का फ़ायदा ये होता है, अगर आप ऑफ रखते हो, अगर बंदा नॉक है ना तो, और उसको बंदा रिवाइव दे रहा है, अगर आप एम असिस्ट से मारोगे ना तो नॉक वाले बंदे को भी लग सकते हैं गोली, लेकिन अगर एम असिस्ट ऑफ होगा ना तो उसी को लगेंगी जो बंदा रिवाइव दे रहा है जहाँ पर आपका एम है। तो गाइस हम लोग रोटेट करके आए थे ऊपर वाले हिल वाले बंदों को मारने। मैं आज गेम प्ले में नहीं हूँ, मैं अपनी आपको टिप्स वगैरह देते जा रहा हूँ, तो हम थोड़ा सा गेम प्ले की तरफ आते हैं। यहाँ पे गाइस ये अलग स्क्वाड था जो ऊपर थे, ठीक है, हमने गाड़ी से रोटेट किया इनके ऊपर है, मेरे टीममेट स्पॉट करने गया और नॉक हो गया, दो बंदों को मैंने नॉक कर दिया था गाइस। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्मोक करके जाऊँगा अपने टीममेट को बचाने के लिए, और गलती से मैंने नेट कर दिया, इतना पैनिक हो जाता हूँ मैं समटाइम, तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ रिवाइव देने। और गाइस अगर आपका एम असिस्ट ऑफ है, आप एम असिस्ट क्या काम करते हैं कि वो एम ना, ये जो ब्लैक ब्लैक एम आ रहा था, ठीक है, ये बंदे के ऊपर ले जाने में ना पबजी वालों ने ये खुद बनाया, ये आपकी हेल्प करता है, तो आप अगर इसको ऑफ करके प्रैक्टिस करोगे तो आपका एम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑफ़ करके टीडीएम खेला करो। तो उस दिन भी यही हुआ था, मैं ऑफ करके टीडीएम खेल रहा था और उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि क्लासिक में ऑन करना है, और फिर वो ऑफ ही रह गया था, फिर आप लोगों ने मुझे बताया तो फिर मैं जाके ऑन किया था उसको। तो आप लोग भी ये किया करो, ऑफ करके प्रैक्टिस करो टीडीएम में, उससे आपका एम बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब गाइस इनका बंदा आ रहा था यहाँ से, मैंने स्पॉट किया, स्प्रे करेंगे। स्प्रे तो नहीं था बट टैप टैप ही था, चलो इसको नॉक कर दिया। अभी सामने जो था ये बंदे स्मोक करके रिवाइव दे रहे थे, मैंने ऑलरेडी दो नॉक कर रखे थे, तो मुझे अफसोस था कि हमारे किल चोरी हो जाएंगे। यहाँ पे आकर मैं बैठा और वेट किया, और जैसे भाई पीछे भागे स्प्रे दिया और गाइस ऑलमोस्ट नॉक हो जाता है यहाँ, अच्छा पड़ा था इसको। बट मेरे टीममेट को उसका किल मिला और पीछे से आ जाता है अलग स्क्वाड। अलग स्क्वाड आता तो हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, हम फ़ौरन से बन जाते हैं सांप, क्योंकि हमने मरना वरना नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, हैवी पूरा स्क्वाड नेड कर रहा था, साइड से हमारे बम पे गोलियां पड़ी और हमारा क्रेट बन गया। और इतना अच्छा निकाला था जॉर्जो की सिटी में, और यहाँ पे हमारे जो है ना 10 किल थे, 1600 का डैमेज था, 21 मिनट सर्वाइव कर चुके थे, लेकिन हमारी बैंड बच गई। उसके बाद गाइस आपको एक गेम प्ले में तो हम भगा नहीं सकते, आजकल आपके लिए दो दो गेम प्ले आते हैं हमारे, देख लो कितना प्यार है उन्होंने उसको, बस ठोक दो लाइक बटन गाइस, लाइक बटन आप ठोकते हो ना तो उससे क्या होता है कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो प्लीज़ लाइक ठोका करो, ट्रेंडिंग में वीडियो लाया करो, ताकि अनॉनिमस की पब्लिक बढ़ती जाए। गाइस 3 सीटर लेके निकले थे, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं रोड से नहीं जाता गाइस, ये रिच से जाता हूँ, और इससे शॉर्ट भी पड़ता है, और अगर कोई कैम्प कर रहा होता है घर में तो उससे बच भी जाते हैं। अब मैं ऐसे ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ना पूरा स्क्वाड आ जाता है। ये स्क्वाड आता है आई थिंक ब्रिज के पास से, मेल्टा लूट के आए होते हैं आई गेस ये लोग, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं होती, मिलिट्री से आए होते तो गाड़ी होती है यहाँ पे, या शायद उन्होंने छोटे छोटे घर लूटे थे। यहाँ पे आए थे नोवो में रश करने, क्योंकि नोवो को हमने कर लिया था यहाँ पे क्लियर, और ये स्क्वाड बाद में आते हैं। यहाँ पे एक स्क्वाड किया गया, इसको स्प्रे देता हूँ डाउन, रीलोड करेंगे लेट के ताकि वो एम ना कर पाए, और फिर मैं रश करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पे दूसरा बंदा आएगा, उसको डाउन करेंगे स्प्रे करके गाइस। ऐसे कैसे बाबा जी इन दोनों को डाउन किया गया, जब दो बंदे सामने होते हैं मेरे, एक के निकाल लिए मैंने, तीसरे को भी डाउन किया गाइस, लेकिन चौथे बंदे ने मुझे डाउन कर दिया, 1v3 मैंने यहाँ पे कर दिया था, और ऐसे मेरे टीममेट को भी डाउन कर दिया। अब है 1v1 फाइट, और यहाँ हम दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक बस मरे नहीं, गेम प्ले ख़राब हो जाएगा। जो भी भैया हमारे बचे थे उन्होंने फिर इसको मार दिया, और हमारी ज़िंदगी जो काफ़ी ख़तरे में आ चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। फिर हमें मिलेगा रिवाइव, और जैसे रिवाइव मिलेगा गाइस, यहाँ सबसे ज़रूरी टिप है, मतलब ये लॉ ऑफ अनोनिमस आप इसे कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ सुना था ना, ये अनोनिमस का लॉ है। हील नहीं करनी, जो क्रेट्स पड़ी हैं टैप 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 ऐसे जल्दी जल्दी लूटो उसको। अब देखो मैं कितनी तेज़ी तेज़ी से लूटूंगा कि सारी क्रेट्स मैं चेक कर लूंगा, बाद में मेरे टीममेट्स ओपन करेंगे, क्योंकि लूट का नो मजाक, लॉ ऑफ अनोनिमस, लूट का नो मजाक के अनोनिमस के पब्लिक को ये पता है कि भाई देखो ये देखो ये फालतू चीज़ें गिरा के एडलिन भी उठा लेंगे, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हम हील बाद में भी कर लेंगे, लेकिन हमारे टीममेट ने हमें लूट नहीं देनी, तो इसलिए हम फौरन से जल्दी जल्दी लूट करने लग जाएंगे। ओके फिर मैंने यहाँ पे एक बंदा डाउन किया था गाइस, और जो दूसरे वाला नॉक किया था तो वो यहीं पे था, उसकी क्रेट मिली, और फिर हमने 6x उठा लिया। देखा वरना ये लूट हमारे हाथ आती गाइस बताओ। अब यहाँ पे था ब्रिज कैंप हमारा, जो कि काफ़ी दिनों बाद हुआ था हमारा ब्रिज कैंप, और हम लोग जा भी नहीं सकते थे डायरेक्ट। देखो गाइस यहाँ पे ना बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल हमें पता नहीं चलने दिया कि ब्रिज कैंप है, एकदम कैंपिंग करके बैठे हैं बाबा जी। और हमें बताऊँ मुझे क्या लगा, बल्कि मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दी थी कि ये डार्सिया खड़ी है, हो सकता है जिन बंदों ने हम पे रश किया हो ये डार्सिया में आए हों, फ्यूल ख़त्म हुआ और यहाँ से वो पैदल गए हों नोवो, क्योंकि गाइस नोवो में हमें कोई गाड़ी नहीं मिली थी। तो उसके बाद हमने क्या किया, यही मेरी बात इन्होंने मानी और हमने आगे जाने का फैसला किया। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें बंदे रेंडर हो जाते हैं कि वो पेट्रोल पंप के बाहर हमारा कर रहे हैं इंतज़ार, वो देखो गाइस। फिर हमने गाड़ी यहाँ साइड पर ठोकी, और उसके बाद मैं अपने टीममेट्स को बोला देखो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, वो हम पे एम करके बैठे हैं सब के सब, एक एक करके पानी में जंप करते जाओ। और हम एक एक करके इसलिए कर रहे थे कि बाकी बंदे फायरिंग कर रहे थे, उनको हमने ये पता नहीं चलने दिया कि हम पानी में जंप कर गए, ऐसे एंगल से गाइस नीचे जंप किया। और फिर हम ना आगे बढ़ते जाते हैं, और पता नहीं कि काम फाइट हो जाती है, क्योंकि फायरिंग भी हो रही थी और किल फील्ड में नाम भी आ रहे थे कि बंदे नॉक हो रहे हैं। आई गेस एक और स्क्वाड आ गया था तो इनका ध्यान हमसे हट गया, और हमें मौका मिल गया गाइस पानी में तैर के आगे जाने का, वही हमने यहाँ पे किया, तैर तैर के हाथ पाँव हिला के हम लोग पहुँच गए बाबा जी साइड पे। ब्रिज कैंप का बेस्ट तरीका है गाइस, यहाँ से साइड से आ जाओ और फिर इनकी अपनी बैंड बजा दो, लेकिन बस ये कोशिश करो कि आपका साउंड इनको नहीं चला जाए। हमारा साउंड नहीं गया था, हम लकी हैं, वरना आपका साउंड गया ना तो आपकी पानी में एक क्रेट पड़ी होगी, गीली गीली क्रेट हो जाएगी फिर आपकी। और फिर हम साइड पर आ गए, यहाँ पे हमने निकाली अपनी M4, पहले हील कर लें, थोड़ी सी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है। हमें साथ साथ बंदे स्पॉट करने का भी ट्राई कर रहा था, स्मोक हो रखा था बिल्कुल पास में, और फिर मैं ट्राई कर रहा था कि कोई नज़र आ जाए, क्योंकि बंदे थे यहाँ पे पास में से, और ये अपने बिल्कुल सामने नज़र आता है बंदा। वो सर जी भाई को नॉक किया, दूसरा गाड़ी के पास है, दूसरे को भी नॉक किया, तीसरा गाइस वहाँ से आ रहा होगा, और इसमें मैंने ये गलती कर दी, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ये है कहाँ, एकदम से ये आ जाता राइट पे,
और यहाँ मेरी हो जाती है रीलोड, और रीलोड होती है तो हमारे पिछवाड़े में पड़ जाती हैं गोलियाँ। अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने उसको डाउन किया, फौरन से मुझे रिवाइव मिलेगा तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हमें रिवाइव मिल रहा है। रिवाइव लेने के बाद एक बंदा आगे कवर देने के लिए जाता है, और अब इनका एक ही बंदा बचा था क्योंकि तीन बंदे नॉक हैं, और हम दुआ कर रहे थे कि अगर ये किल भी हमें मिल गया क्या तो मज़ा आ जाएगा गाइस, तीन किल यहाँ भी हमें मिल जाएंगे। तो हमने पहले फौरन से बैंडेज मारा, जब गाइस आपकी हेल्थ जा रही हो पहले बैंडेज मारो और फिर फर्स्ट एड लगाओ, उसके बाद आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप फर्स्ट एड लगा लोगे, क्योंकि बैंडेज जल्दी से लग जाता है, फर्स्ट एड टाइम लगता है, तो इसलिए दो तीन बैंडेज मार के आप फर्स्ट एड लगा लो, आप दोबारा से नॉक नहीं होगे। हाँ डैमेज ज़्यादा हुआ तो आप नॉक हो सकते हो। फिर मुझे गाइस आखिरी बंदा भी स्पॉट होता है, भाग के आएगा वहाँ पेट्रोल पम्प के पास से, वो आया फिर मैं इसको भी यहाँ पे डाउन किया, और यहाँ पे मुझे तीन किल मिलते हैं गाइस, बाकी मेरे टीममेट्स को एक किल मिलता है। फिर हम दोबारा से जल्दी जल्दी टैप 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 लूट करेंगे, लूट का नो मजाक बाबा जी, और उसके बाद बाबा जी। अब गाइस मैं दूसरी लाइक नेक्स्ट सीज़न में मैंने कोशिश की थी, कॉन्कर नहीं हुआ, अब नया सीज़न आ रहा है दोबारा से कोशिश करूँगा, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो बस अल्लाह खैर सल्लाह, कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं। तो हम फौरन से फिर यहाँ पे लूट वगैरह करेंगे, और फिर हमारे पास गैस थी दो दो फ्लेयर गन पिचकारी, जिसका हमने नाम रख रखा है। अब पिचकारी गैस मैंने क्यों रखा है, जब हम चलाते हैं कैसी आवाज़ आती है, टुचुक, फ्लेयर चलाई आवाज़ आई टुचुक, तो हमने इसलिए इसका नाम रख दिया पिचकारी। अब एक फ्लेयर जूबी के पास थी, एक मेरे पास थी, हमने दोनों चला दी, और फिर यहाँ पे गैस गन था तो मैंने सोचा जूबी को नॉक कर दूँगा, देखना ये मैंने टिकटॉक पे भी लगाई थी वीडियो, मैं मारने लगता हूँ और ये नूबड़ा फौरन से गैस कैन पिक कर लेता है, और हमारी बेइज्जती सी हो जाती है, और अंदर वाले गैस कैन से टीममेट को डैमेज, तो हम यहाँ पे फन करने लग जाते हैं थोड़ा सा, और फिर हम आते हैं ड्रॉप लूटने के लिए। ड्रॉप में क्या आएगी गैस, गैस करो, देखना नहीं है, गैस करो, रोक दो वीडियो। आ गई हमारी पहली मोहब्बत AWM, किस किस का सही था कमेंट करके बताना, किस किस का तुक्का सही लगा, और जिसका नहीं लगा कोई बात नहीं, हम सवाल जवाब करते रहते हैं वीडियो में। और अभी बताओ मैं नेड करने वाला हूँ तो कौन सा टीममेट नेड से नॉक होगा, नंबर वन या नंबर थ्री, कमेंट करके बताओ, वीडियो रोक दो गाइस, और फिर देखते हैं किसका तुक्का लगता है। फिर मैं यहाँ आ गया और सामने आ गए थे बंदे, एक टीममेट को नेड से नॉक करूँगा, आपने बताना है गैस करके, और चाइनीज थे गाइस ये, और फिर मैं ओम निकाली, मुझे यहाँ पे बंदे नजर आए, इसको मारा जल्दी से बॉडी शॉट लग गया, और फिर मैं नॉक वाले को तो फिनिश कर दिया, लेकिन इसका टीममेट उजी से मार रहा था दूर से गाइस, वाह नहीं मतलब क्या उजी से मार रहे हैं भाई साहब। और फिर मेरे दिमाग में एक आया आइडिया कि ये यहाँ से हाइट पर हैं, उनके पास ज़्यादा ऊँची जगह है, हाइट पर हैं वो, तो मैं क्या करता हूँ स्मोक करके स्क्वाडर्स की छत पे चला जाता हूँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा एंगल मिल जाएगा। तो हमने ये अकल इस्तेमाल की गाइस, स्मोक फेंकी डोर के पास, जाके डोर क्लाइम करके ऊपर स्क्वाडर्स के चले जाएंगे, और स्क्वाडर्स की छत पे जाके जो है ना हमें थोड़ा सा अच्छा एंगल मिलेगा। तो फिर मैं स्मोक करने के बाद बूस्टर्स मारे और फिर मैं ऊपर जाने लगा, और ये पता मैं सारा के कपड़े पहन रखे थे, सारा जो करेक्टर है, और फिर पता नहीं मैंने किसी क्रेडिट से टैप करके ये वाले ले लिए, मैं ये पहनता नहीं हूँ। फिर मेरा एक टीममेट रश करा था और मैं उसको ADS देने का फैसला किया, उसने एक नॉक किया, दूसरा टीममेट आया, फिर फौरन से कवर दी और किल मिला मेरे टीममेट को, फिर ये स्क्वाड हो गया फिनिश। और फिर अब एक टीममेट नॉक होने वाला है गाइस, कमेंट करके बताओ वो कौन सा, देखते हैं किसका तुक्का सही लगता है, टीममेट वन नंबर या नंबर थ्री, कौन नॉक होगा। तो अब ये हम निकालेंगे नेड, अब बस अब नहीं बताना, अब हो गया, पहले आपने जो कमेंट कर दिया बस वही रहेगा। ए बूम, अब इसकी बातें सुनो जरा, तो गाइस कितना दुख होता है ना जब जीरो रिवाइव होने वाला हो, जीरो सेकंड रह जाए और मैं टैप करके कैंसिल कर दूँ ना, बहुत मज़ा आता है मुझे। और फिर यहाँ पर ना हमारी अनोनिमस की पब्लिक आ जाएगी, ये ड्रॉप पे बंदे नजर आए गाइस, और फिर ये बंदा पास में आके जंप करने लग जाता है। मैंने तो अपने टीममेट को बोला कि भाई नहीं मारो, ये मीटअप कर रहा है, पहले मुझे लगा मारने आ रहा है ऐसे ही, फिर मीटअप करता मैंने छोड़ दिया। और फिर मेरे टीममेट्स को नहीं पता था वो दूर थे, क्योंकि मैं पुश टू टॉक पे रखता हूँ, लाइक टैप करके रखूँगा तो टीममेट को आवाज़ आएगी, टैप हटा लूँगा तो आवाज़ नहीं जाएगी। अरबी को यहाँ के यहाँ से कान के नीचे लगा नॉक किया, फिर मैं भाई को बोला भाई सॉरी आप अपने टीममेट्स को बुलाओ, आप रिवाइव ले लो, मेरे टीममेट्स को नहीं पता था इसलिए आपको नॉक कर दिया। फिर ये भाई हमारे अपने टीममेट्स को बुलाएंगे और इनको मिल जाएगा रिवाइव बाबा जी। और फिर भाई हमें बोलते हैं कि एनोनिमस भैया आप हमारे साथ पैन फाइट करो, हमें पैन फाइट करनी है, लेकिन भाई ने खुद बोला तो हमने कहा ओके भाई पैन फाइट करते हैं। और रूल ये था कि कोई हील नहीं करेगा, कोई रिवाइव नहीं करेगा, और एक एक करके आएंगे। तो 1 2 3 पैन फाइट हो जाती है स्टार्ट, हमारे पीले कच्चे वाले भैया पैन लेके हमारे पास पहले आएंगे, हम पहले बूस्टर मार लेते हैं। हमने भाई को बोला भाई आप भी बूस्ट कर लो, तो फिर होती है हमारी पैन फाइट।
सतात, हमने पैन निकाला, फिर मैं थोड़ा सा वेट किया ताकि भाई को पता चल जाए, फिर पैन फाइट स्टार्ट हो गई। एक मिनट अभी, और यहाँ पे दूसरे भाई भी आ गए थे तो उनको पीछे भेज दिया गया, और फिर मैं यहाँ पे एक शॉट मुझे लगा, दूसरा शॉट मेरे टीममेट को लगा, और सॉरी मुझे लगा और उनको लगा, लॉल मेरा टीममेट तो है ही, क्या बोलूँ मैं। फिर पैन फायर देखो गाइस, आप भाई तुम दूसरा टीम में जाओ, दूसरा टीम में जाओ, दूसरा टीम में जाओ, उसको मारो, पे लग गए। रुक जाओ बस, नहीं 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 फुल हील कर रहा, मार 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 मार, तूने बूस्ट मारा है ना, गया। तो गाइज ऐसे हमें मिलता है चिकन चिकन विनर डिनर, और ये थे हमारे 9 किल इसमें, बस टीम के अच्छे हो गए थे 18 और 25 किल्स हो गए थे टीम के। गाइज वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, मेरे को बाबू लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल। दुआ में याद रखना और बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।